पर चाहे वो राज्य में हो या केंद्र के अंदर हो हम शुरू करते हैं, लेकिन जब किसानों के ऊपर आफत आती है और इस हद तक आफत आती है कि वो अपनी जान गवा बैठता है तो हम कैसा अपना मुंह फेर लेते हैं, उसका जिंदा उदाहरण हम देखकर आए हैं। महाराष्ट्र के किसानों की अगर हम हालत देखें पिछले कई सालों से, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं मराठवाड़ा से, पिछले 3 सालों से वहां पर सूखा पड़ रहा था। वहां पर किसान बारिश नहीं होने की वजह से इतने परेशान थे, सूखे की वजह से इतने किसानों ने आत्महत्या की थी। और इस बार कुदरत का करिश्मा देखिए कि बारिश हुई, 3 साल की कसर पूरी एक साथ हो गई और इतनी बारिश हुई कि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिले जहां से मैं आता हूं वहां से 48,000 हेक्टर में से 42,000 हेक्टर की पूरी फसल बर्बाद हो गई। हम वहां पर जब जा रहे हैं तो किसानों के सामने एक अंधेरा छाया हुआ है। एक ऐसा लग रहा है किसानों को कि हम यतीम हो चुके हैं, हमारे ऊपर कोई वाली नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं है। सरकार किसकी बनेगी ये से कोई लेना देना नहीं है। सभी लोगों ने ये मांग की थी, बल्कि हैरानी की बात यह है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उन्होंने भी मांग की थी कि 25,000 रुपये मिलना चाहिए और किसानों को दिया गया कितना, तो महज 8,000 रुपये। अध्यक्ष महोदय, आज अगर महाराष्ट्र के किसान किसी की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं तो वह आपकी इस कुर्सी के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपके पास ये अधिकार है कि आप सरकार को आदेश करें कि 8,000 नहीं, हम उद्योगों के मामले के अंदर लाखों लाखों करोड़ रुपए हम इंडस्ट्रीज का हम माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए हम 8,000 देना या 10,000 रुपये देना, इसके ऊपर ही हमारे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें।